याद है तुम्हें जब एक बार हमारे घर के पास के पहाड़ से बहते झरने के पीछे छुपी गुफा से तुम कुछ बीज ढूंढ कर ले आई थी। बागबानी का नया नया शौक चढ़ा था तुम्हें और पूरे घर के बगीचे को तुमने अलग अलग तरह के पेड़ पौधों से भर दिया था। उसी शौक के गुमान में तुमने ये बीज कमल के तालाब के बगल की जमीन में बीज दिए। वक्त के साथ ये बीज अंकुरित हुए और एक नन्हा सा पौधा जमीन से उठकर चांद को ताकने लगा। एक बड़ा ही अजीब सा श्वेत रंग का पौधा जो वक्त की उंगली थाम कर एक विशाल काय श्वेत वृक्ष में ढल गया, एक ऐसे पेड़ में जो दूर से देखने पर बादलों जितना कोमल दिखता और चांद की बढ़ती घटती कलाओं के साथ अपना रूप और आकार बदलता रहता। कभी तितली, कभी नाग, कभी सिंह तो कभी मछली, नित नए ज्ञात अज्ञात जीवों का रूप उसकी शाखाएं बनाती और तुम उस अलौकिक प्रतिदिन रूपांतरित होते पेड़ को देख अपनी बागबानी की सफलता पर फूली न समाती। और मैं जब भी तुमसे कहती कि ये चांद की मिट्टी पर उगने वाला पेड़ है, धरती का नहीं, हिमालय की गुप्त गुफाओं में जो चंद्रमा के कुछ वासी रहते हैं उनसे शायद ये बीज कहीं गिर गए होंगे और एक दिन वे इस वृक्ष को अपने साथ वापस ले जाएंगे। तो सुनकर यह तुम गुस्सा हो जाती। लेकिन एक दिन वही हुआ जब उन्हें पता चला वे आए और पूरा श्वेत वृक्ष धरती की कोख से निकाल अपने साथ ले गए। कहते हैं मनुष्यों के बौद्धिक विकास के बाद से उन्होंने अपने अस्तित्व को पूरी तरह से गुप्त कर लिया था। फिर चाहे वह चंद्र वनस्पति हो या अन्य प्राणी, हालांकि इसके बदले वे तुम्हें कई तोहफे देकर गए थे, आखिर वे तुम्हारा उस वृक्ष से लगाव जानते जो थे। लेकिन फिर भी तुम बहुत रोई थी उस बच्चे की तरह जिससे उसका सबसे प्रिय खिलौना छीन लिया गया हो। उस वक्त एक वर्ष से भी अधिक समय लगा था मुझे तुम्हारी वो उदासी दूर करने में। और अब हजारों साल बाद चांद ने मुझे खुद वो बीज दिए हैं और कहा है कि जब भी मिलूं तुमसे थमा दूं इन्हें तुम्हारी हथेलियों में, कि जहां भी तुम इन्हें बीज दोगी वहां पवित्र प्रेम का एक सुगंधित वृक्ष उगाएगा जो इस पृथ्वी को फिर से प्रेम की खुशबू में भिगो देगा। तो बस अब तुमसे मिलने का इंतजार है। ये बीज विशालकाय प्रेम वृक्ष में ढलने को उत्सुक जो हैं।